व्यूअर्स, मैं हूं कंवर चीमा, अपने टॉक को बता कि दो कानत निगत अब्बास हैं जो कि इंडिया से हैं, और इसके साथ मेरे साथ मारिया तराना है जो कि आजाद कश्मीर से है। दोनों इंतहाई यंग खवातीन हैं और इन्होंने अपनी फील्ड में बड़ा नाम बनाया है। और जो निगत अब्बास हैं, शी इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, शी रिप्रेजेंट्स बीजेपी इन दिल्ली, और इसके साथ साथ ये जो इंडियन गर्ल्स हैं उनके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आइकॉन है और यूथ की लिए आइकॉन है। और दूसरा मारिया जो है, मारिया तराना, ये जैसे मैंने बताया सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और जो वुमेन के लिए बड़ा काम कर रही हैं आजाद कश्मीर से। तो आज सोचा कि क्यों ना जो यूथ है वो बात करे कि इस वक्त हो क्या रहा है। हम बुजुर्गों की बातें सुनते रहते हैं और हम समझते हैं कि बुजुर्ग जो है उन्होंने हर चीज को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो बेशक गवर्नमेंट जॉब्स हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो मीडिया हो, हर जगह जो यूथ का पर्सपेक्टिव है वो आना चाहिए। और हम, मेरा ख्याल है सारे यूथ में ही आते हैं फिलहाल, मुझे तो ऐसे लग रहा है। मारिया भी और अलिगत अब्बास भी। मैं एक चीज आपसे, तीनों से पूछना चाहूँ, दोनों से पूछना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि लेट्स स्टार्ट विद दिस कोविड-19। निगत, आपने बहुत काम किया है और आपने, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, जिस तरह आप यू स्पोक फॉर ऑल, फॉर पुलिसमैन, फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर वुमेन, एवरीवन। सो हाउ इज द सिचुएशन लाइक इन इंडिया, इन दिल्ली, वहां पे कोरोना वायरस की क्या सिचुएशन है? ये एक ऐसी पेंडेमिक है जिसने पकड़ के हम सबको जो है ना वो हला के रख दिया। बिल्कुल कमर भाई, ये एक ऐसी महामारी, एक ऐसा पैंडेमिक है जिसने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को एक साथ झंझोर दिया है। पूरे विश्व के पास, पूरे वर्ल्ड के पास इस समय कोई आंसर नहीं है, सब स्पीचलेस है, किसी को समझ नहीं आया। लेकिन मुझे बहुत दाद देनी पड़ेगी हमारे पूरे वर्ल्ड की और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान की, हमारी सरकार की, कि जिस तरीके से इसको कंट्रोल किया गया, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे अब वो लॉकडाउन 4.0 खत्म होने आ रहा हो, चाहे अब जो बॉर्डर सील करे गए, जिस प्रकार से कोविड-19 को खत्म करने की कोशिश में हमारे नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आए कि हम कभी भी हिंदुस्तान में कभी मास्क नहीं बनता था, वी यूज टू ऑलवेज इम्पोर्ट इट, आज हम अपने आप मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, हमारा यूथ जिसे आप कहते हैं यूथ खुद उभर कर आ रहे हैं और जॉब जो खुद एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटीज इसमें निकाल रहा है और वो कर रहा है। ऐसा मतलब मैं मानती हूँ कि महामारी जरूर है, पर एक हमारे हिंदुस्तान में हमारे लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा और कहीं ना कहीं वो खुद निकल कर आए और खुद लोगों में एक तरह से प्यार बांटा गया। जैसे आप मेरे को कह रहे हैं मैं काम कर रही हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ ठीक है, पर आप देखेंगे आम लोग भी, आम जनता भी सड़कों पर निकल कर आ रही है कि कोई भी गरीब भूखा ना रह जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अगर रात को सोए तो वो भूखे पेट सोए। तो उस चीज को देखिए, उस यूनिटी को देख कर हम लोग बाग बाग हमारा दिल हो गया और पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इसमें लगा हुआ है और हिंदुस्तान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कोरोना वायरस को मात देने की कोशिश करी और हम दे भी रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, अमेरिका को और आज हिंदुस्तान को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही अंतर है आंकड़ों में। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम और मेहनत करेंगे और इससे बहुत जरूरी है कि सभी निकल कर आएंगे। मैं तो आप लोगों के लिए भी ये दुआ करती हूँ कि आप लोग भी, हम भी, सभी, पूरा विश्व जल्दी से इससे निकल कर बाहर आए और इंशाल्लाह आएगा, हमें पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह अमेरिका और पूरी दुनिया समेत सारे इससे बड़े मुतासर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया भी उसी तरह मुतासर हो रहा है। और क्योंकि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते इंडिया को कितने चैलेंजेस हैं, और ये आपने बिल्कुल सही कहा, किसी मुल्क के लिए ये हर चीज सबके लिए नई चीज है। मारिया, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान की ओवरऑल अगर आप बताना चाहें कि इस वक्त दोनों, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन है और गवर्नमेंट कैसे डील कर पा रही है? हाँ जी, उमर शीमा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं बड़ी खुश हुई कि चलें हालात वहाँ पे भी, इंडिया में भी खुदा का शुक्र है कि थोड़े से बेहतर हैं, लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा, रमजान का महीना हमने पाकिस्तान में गुजारा, तो उससे पहले 2 महीने पहले ही लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, सेकेंड वीक ऑफ मार्च से, और वो बड़ा हम लोगों ने जो था दूरअंदेशी का सबब, जो सीएम सिंध थे मुराद अली शाह साहब, उनसे लेकर आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर खान साहब,
इनकी दूरअंदेशी थी, इन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इसे इफेक्ट होने से बचा लिया, क्योंकि लॉकडाउन का जो सिलसिला था वो जब सेकेंड वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट हुआ अचानक, तो उसके बाद से हमने देखा कि यूरोप में, बर्तानिया में, अमेरिका में, हर तरफ ये ऐसे फैला और वहां पर जो हेल्थ सिस्टम थे वो वहां पर कलेप्स कर गए। हालांकि हम तो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन होती तो हमें बहुत अरसे तक जो था वो इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता, क्योंकि हमारे प्यारे जब इस तरह से हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहे होते, हेल्थ फैसिलिटीज आपको पता है बहुत कम है, हम पूरा साउथ एशिया ही अंडर डेवलप्ड है, तो मगर ये है कि लोगों का एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट। मेरा ख्याल है मारिया का कनेक्शन लूज कर गई है। अच्छा, आप क्या समझती हैं निगत, के आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरा ख्याल है कि आप क्या समझती हैं कि निगत, मैं भी सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में बड़ी बात करता हूँ, आप क्या समझती हैं कि हम जिस खित्ते के ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, क्या अब वक्त आ नहीं गया कि हम नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन को रिवाइज करें? हम जो पैसा हम जंगों पे या वेपन्स पे या इतना लगता था, अब हमें इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए, ह्यूमन सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं, अब पैसा वहां जाना चाहिए, ताकि ये जो हमें हॉस्पिटल्स और इस तरह के जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, अब वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल जवाब दे गए हैं, तो आप क्या समझती हैं हमें जो पैसे की जो इन्वेस्टमेंट का जो रुख है वो बदलना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है तब्दील हो? जहां तक हिंदू, आपकी आवाज बीच में कट रही थी, यू वर ब्रेकिंग अप, पर जितना मैं समझ पाई हूँ आप कोविड 19 को लेते हुए इस समय बात करें, अगर मैं हिंदुस्तान की ही बात बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने दिक्कत में अपॉर्चुनिटी को ढूंढा है और हमारे लोग, युवा लोग और बाकी भी कंपनीज माशाल्लाह आगे आकर सैनिटाइजर्स हों और सैनिटाइजिंग नई नई मशीन हों, चाहे वो मास्क हो, उसका खुद ही उसको मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, और अब हम तो उस पैगाम उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर आप देखिए दवाइयों का, आप देखिए कि हिंदुस्तान से यूएस ने और बाकी ब्राजील जैसे देशों ने भी हिंदुस्तान से दवाइयों को मांगा है, तो ये बहुत कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि किसी को अगर हम इस महामारी के चलते किसी को मदद कर पाए। तो ICMR देखिए कितनी तादाद पे किस शिद्दत के साथ काम कर रहा है कि आज हमें पता है कि हम कहां पे कहां थे और कहां से कहां तक आ गए। आप कि हमारे यहाँ चाहे मदरसे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, बहुत सारे धार्मिक स्थलों को यानी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, बहुत सारी ट्रेन्स को ट्रेन्स में बेड्स लगा दिए गए, उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया, इमरजेंसी हॉस्पिटल में। तो हमें मुझे ये लगता है कि जहां तक मैंने अपनी सरकार को देखा और जहां हमारे लोग काम कर रहे हैं कि हमने अपने डिफेंस सेक्टर में, अपने हेल्थ केयर सेक्टर में, अपने हॉस्पिटैलिटी को माशाल्लाह बहुत ही बखूबी से काम कर रहे हैं और बहुत ही बखूबी के साथ हम आगे उभर कर आ रहे हैं कि सब कुछ एक लाइन में एक तरीके से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि महामारी जरूर है पर हिंदुस्तान में ऐसा कोई रोना नहीं मच रहा है कि हाँ भाई दिक्कत हो गई, जिस प्रकार से हमने और देशों के प्रधानमंत्रियों को देखा कि उनकी तो मतलब बहुत ही दुख भी हुआ, दिल में दर्द भी हुआ कि उनकी आंखों से आंसू भर के आ गए क्योंकि दे वर हेल्पलेस। पर हमारी सरकार, आप कितनी मुखालिफत करिए पर मोदी सरकार और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत ही शिद्दत के साथ काम करा और आज हमें पता है कि आज हम किस प्रकार की किस जगह पर खड़े हैं और कहां से कहां पे हम थे। जिस डर से हमको निकाला गया हमारी सरकार ने, ये काबिले तारीफ है और बहुत ही अच्छा किया और बहुत ही आराम से बहुत ही सोच समझ के साथ लॉकडाउन भी करा, बहुत ही सोच समझ के साथ जैसे हमारे यहाँ इस प्रकार से काम चल रहा है। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में क्या है पर हिंदुस्तान में ये है कि किसी भी एरिया में अगर कोविड का पेशेंट आता है तो उस एरिया को, उस दायरे को सील कर दिया जाता है। मेरी खुद की सोसाइटी में जिसमें मैं रहती हूँ, ये गेटेड सोसाइटीज है, 14 टावर है, 14 टावर में से एक टावर में केस आया था पर पूरी सोसाइटी को सील करा गया, एवरीबॉडी वाज क्वारंटाइन इन द होम। सो दैट इज द थिंग, दैट इज अ काइंड ऑफ स्टेप वी नीड टू टेक और हमारी सरकार ले भी रही है। बहरहाल मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत चीजें, बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई कि इकोनॉमी पे मार पड़ती है पर वो वैश्विक है, इसमें हम शायद ग्लोबली भी कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें जैसे लोग रोजमर्रा के बिजनेसमैन हैं वो अपनी दुकानों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस चीज को सोचते हुए अब लॉकडाउन को लिफ्टअप करा गया और नई गाइडलाइंस आई है कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन है तो सिर्फ उस टावर को सील करा जाएगा या उस फ्लोर को सील करा जाएगा, तो उस चीज के साथ नए उभर के हम आ रहे हैं। पर ये एक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व ने एक साथ देखी और ये ऑल ऑफ अ सडन आई, इसमें कुछ प्लानिंग चलती भी नहीं। पर अब जिस तरह से माशाल्लाह हमारे देश ने प्लानिंग करी है, मैं दाद देती हूँ और मैं सलाम करती हूँ अपनी सरकार के साथ, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को। बिल्कुल ठीक है, जारी बात है, ये एक ऐसा मौका है जिसपे इररिस्पेक्टिव आपके आप कौन है, कैसे हैं,
इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि एक ये एक नेशनल इमरजेंसी है, पूरी हर मुल्क के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी है। बिल्कुल, मारिया बिल्कुल। आप मारिया आप बता रही थी, अगर आप स्पेसिफिकली हमें थोड़ी जल्दी में बता दें कि आजाद कश्मीर में इस वक्त कोरोना की क्या पोजीशन है और क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकी है, और अगर आपको कुछ मकबूजा कश्मीर का पता है तो उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि जारी बात आपके भी रिलेटिव वहां पे होंगे, वहां पे इस वक्त कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं पहुंच पा रही, तो आप इसमें कोई मारिया अगर बताना चाहें आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के बारे में। जी बिल्कुल, शुक्र है चीमा साहब, मैं जैसे पहले भी बात कर रही थी कि सूरत हाल बहुत कंट्रोल है। राजा फारूक हैदर खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने उस वक्त बहुत जो था वक्ती तौर पर जो था वो बड़ा एक स्टेप ले लिया था, जब शुरू में लोगों को समझ नहीं भी आ रही थी इस पेंडेमिक सिचुएशन की, तो मुझे याद है कि फारूक हैदर साहब ने नया लॉ बना दिया था कि भाई जो भी अगर कोई बॉर्डर क्रॉस कर आएगा तो उसका पहले टेस्ट होगा, और अगर वो जानबूझकर दोबारा कहीं जाता है वापस आता है तो उसके खिलाफ FIR कर दी जाएगी कि भाई आप जो है वो इसका रीजन बन रहे हैं। तो ये बड़ी एक अनोखी बात थी, उस वक्त सब हम लोग इस चीज को ले रहे थे कि भाई FIR जाएगी, जो इंसान बाहर से आएगा अगर अपना चेकअप नहीं कराएगा तो वो। अभी देखिए कि हमें इस चीज का उस वक्त तो अंदाजा नहीं था, मगर अब पूरी दुनिया के हालात देखते हुए हमें लगा कि भाई ये बहुत अच्छा इकदाम था, क्योंकि हम बहुत बड़ी एक मुसीबत से बच गए। और अभी तक पिछले 2.5 महीने में आजाद कश्मीर में जो अभी डेथ है वो मेरे ख्याल से 4 के करीब हुई हैं, और उनकी जो एज है वो एवरेज 60-80 ईयर्स के 4 लोग हैं जो कि 2.5 महीने में जिनका इंतकाल हुआ है। बाकी ये है कि रिकवरी रेशियो जो है वो 99% है, और मेरा ख्याल है कि हमारे पास इस वक्त मरीज भी इतने ज्यादा नहीं है। अगर हम 4 मिलियन है इस वक्त आजाद कश्मीर में, तो सिर्फ जो है वो 150-200 के करीब लोग जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुए, बाकी आबादी जो थी वो बची रही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी जो था वो इसको समझ लिया था, लोग एहतियात से घर में थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रमजान के महीने में जाहिर है पावर्टी तो हर जगह पर होती है, वो तो हर खत्ते में है, पर क्योंकि रमजान का महीना आने वाला था उससे पहले लोगों ने चैरिटी का काम शुरू कर दिया था, जो भी ज़कात वगैरह का था वो एक मुनज़्ज़म एक सिस्टम चल रहा था, जहां पर वो गवर्नमेंट ने भी तावन किया और मैसेजेस के जरिए जो थे वो हम लोग जो थे कन्वे कर रहे थे एक दूसरे को। तो भाई कहां पर इसके बारे में बता सकती हैं कि आपको मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या पोजीशन है, क्योंकि वहां पे थोड़ी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। मैं आपसे मारिया अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है आपको जरा शॉर्टली प्लीज। जी मकबूजा कश्मीर में जो हमारे अजीजों अकारब हैं उनसे बात होती रहती है, जाहिर है वहां पर भी इसी तरह से नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा जानी अभी भी फैल रहा है। अभी पिछले दिन वहां पे भी डॉक्टर्स का इसी तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ एक दो अजीजों वकारिब हैं जो कि प्रोटेस्ट में थे और बता रहे थे कि पर्सनल प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट्स हैं उनके हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही मसले मसाइल हैं, जैसे कि अस्पतालों में जगह कम है और मरीज जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं दिन ब दिन, और लॉकडाउन जो था एज सच शुरू के दिनों। जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी जी आवाज आ रही है। आप बताएं कोरोना से रिलेटेड एक चीज चली इंडिया के अंदर, जी शुरू में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी मुसलमान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तबलीगी जमात रिस्पॉन्सिबल है, और फिर एक वेव चल पड़ी इस्लामोफोबिया की वेव आ गई, और उसके बाद एक नुकसान ये हुआ कि वो वेव हमने देखा कि मिडल ईस्ट से बहुत रिस्पॉन्स आया, मिडल ईस्ट की वो जो हिंदल कासमी एक शहजादी है उन्होंने भी स्टेटमेंट आपको पता जारी कर दी और कहा कि भाई इंडियंस जो है वहां पे उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आप समझती हैं कि जिस तरह मगरब में पहले कभी एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिया होता था वो क्या अब इंडिया में आना शुरू हो गया, या ये एक वक्ती चीज थी और ये आइंदा नहीं होगा जो अभी इंडिया में हुआ है? जी ये जो शब्द ये जो लफ्ज आपने निकाला है इस्लामोफोबिया, ये उस प्रकार का उस तरह का लफ्ज है जो हमारे यहाँ वो लोग निकाल के लाए हैं जिनकी ना कोई शक्ल है ना कोई एग्जिस्टेंस है। आप समझ रहे हैं वो ट्रोलर्स हैं जिनकी ना कोई शक्ल है ना कोई एग्जिस्टेंस। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात कहूंगी, जहां तक तबलीगी जमात का बात है, तबलीगी जमात की बात हम जब करते हैं तो मैं बता दूं ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान फैला रहा है, कि इस्लाम जानने वाले समझने वाले और मानने वाले लोग फैला रहे। सबने ये बोला कि तबलीगी जमात के लोग, और तबलीगी जमात में जो लोग थे वो मैक्सिमम लोग वो थे जो इंटरनेशनल यानी मलेशिया इंडोनेशिया जैसे देशों से हमारे हिंदुस्तान में आए थे जमात को अटेंड करने।
उन्होंने जब दिल्ली में ये ऐलान हो चुका था, गाइडलाइंस हमारे हिंदुस्तान में आ चुकी थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप कोई ऐसे ग्रुप में कोई इकट्ठा ना हो, कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल में इतनी भीड़ ना हो कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना कर पाए, वो जब तोड़ा गया, जान पूछ कर जब कोई गलत करता है तो उसको गलत कहा जाता है, चाहे वो किसी मंदिर में हो चाहे वो किसी मस्जिद में, और यही हिंदुस्तान में होता है। एक मंदिर में भी हिंदुस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते और कोविड के चलते भीड़ हुई थी और उस मुद्दे को भी उठाया गया, कुछ नेताओं ने भी करी थी, उस मुद्दे को भी उठाया गया, पर बड़ी दुख की बात है कि कमर चीमा जी आप उससे इत्तेफाक नहीं रख पाए, आप उसको देख नहीं पाए, या शायद आपने नजरअंदाज कर दिया, आपने इस्लाम की बात पकड़ ली। तबलीगी जमात की जहां तक बात है, कुछ लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बैठकर मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो हमारी ही कौम के हैं पर वो हिंदुस्तान को अपने दिल में लेकर नहीं घूमते जैसे हम हिंदुस्तान को दिल में लेकर घूमते। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया है तो ये कहीं ना कहीं आपको गलती है। हम वो देश हैं जिस देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम होता है, हम वो देश है जिस सरकार की आप आज मुखालिफत करते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री माइनॉरिटी मिनिस्टर के मुख्तार अब्बास नकवी साहब होते हैं, हम वो देश है जहां पर मोहसिन रजा भाई हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर होते हैं। तो मुसलमानों को तो इतनी तवज्जो हमारे हिंदुस्तान में मिलती है, आप मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में एक भी हिंदू है जो मंत्री है? बुरा मत मानिएगा, पर आप तो अहमदियाओं को अपना मंत्री बनाते, तो इमरान साहब जब गद्दी संभालते तो उनको बर्खास्त कर देते। तो हमारे हिंदुस्तान में माशाल्लाह मुसलमानों को सर के ऊपर रखा जाता है और इंशाल्लाह ता उम्र रखा जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में ना कोई इस्लामोफोबिया है, ना ही कभी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी। जो मुट्ठी भर लोग हैं, तो पांच उंगलियां तो बराबर नहीं होती, मुट्ठी भर लोग हर जगह आपको मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी सारी बातें, आप बड़ी मुदल्लल बात करती हैं जो अच्छा लगता है मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बात बताई। देखिए आपने कहा कि इस्लामोफोबिया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट की थी और उस ट्वीट में कहा था कि जो कोरोना वायरस है इसका किसी मजहब कास्ट क्रीड कलर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब प्रेशर आया मिडिल ईस्ट से, जब आपके जो अम्बेसडर ओमान में है, जो आपके अम्बेसडर उसमें यूएई में है, उन्होंने क्लेरिफिकेशन वहां पे जारी की कि नहीं हम तो बड़े इंक्लूसिव हैं और बड़े प्लूरलिस्टिक हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि उसकी जो हीट है वो फील हुई थी। लेकिन आप एक क्योंकि अपना एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव रखती हैं और इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपको वही कहना चाहिए जो आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी मोदी साहब की ट्वीट, आपके एम्बेसडर्स के ईमेल्स मैसेजेस और जो एक बहुत बड़ी डिबेट चलती रही इंडिया के अंदर, उसने जाहिर बात है इस चीज को अपनी तरफ खींचा। आप भले ना माने जी, क्या कहना चाहेंगे आप, फिर मैं मारिया की तरफ जाता हूं। हाँ, क्योंकि कमल भाई आपने ग्राउंड रियलिटी की बात करी। मारिया जी मैं अपनी एक बार जवाब दे दूं आपकी इजाजत हो तो। जी शुक्रिया। क्योंकि आपने ग्राउंड रियलिटी की बात करी तो चलिए ग्राउंड रियलिटी की बात करते, इससे भी शायद आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी, आप माशाल्लाह अगर आप थोड़ा इंडिपेंडेंट बात करें तो अपने पाकिस्तान में भी ये बताइएगा कि जिस सरकार की आप पाकिस्तान में मीलों दूर बैठकर मुखालिफत करते हैं, उस सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या करा है। कोविड 19 तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं आए हुए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 सालों में मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने क्या कहा है। पहली बार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जिसमें मुसलमान आते हैं, इतना बड़ा बजट आया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 4500 करोड़ का बजट, पहली बार मैक्सिमम बजट है जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का आया है मोदी सरकार के अंदर, जिसमें से 2500 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए, एजुकेशन एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है, मेरी बात ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9वीं और 10वीं यानी 9th और 10th क्लास के लिए स्कॉलरशिप जारी करी गई है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जिसमें मुसलमान आते हैं। मदरसे जहां पे हम अपने बच्चों को जिहाद नहीं सिखाते, पढ़ाई लिखाई सिखाते, उनको रजिस्टर करा गया ताकि बच्चे अपनी तालीम ले पाए मदरसों में। हमारे यहां पर सीबीएसई की बुक्स मैथ्स और साइंस की इंट्रोड्यूस करी गई है मदरसों में, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में हुआ है। तो ये है मुसलमानों के लिए काम करने वाली मोदी सरकार। एक मिनट आखिरी बात बोलना चाहूंगी, 1947 में जो मुसलमानों की तादाद होती थी हिंदुस्तान में वो थी कुछ 10%, आज आपकी दुआ से माशाल्लाह 14% है। और वहीं अगर माइनॉरिटी की बात आपके देश में कर ले हिंदुओं की, तो आपको भी पता है मुझसे ज्यादा आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि सालाना करीब 1000 लोग ऐसे हैं, हिंदू बेटियां ऐसी हैं, हिंदू लोग ऐसे हैं जिनका जबरन पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन यानी उनका जो रिलीजन है वो कन्वर्ट करा के आप मुसलमान बना देते हैं। तो मुसलमानों की कंडीशन हिंदुस्तान में क्या, ये मैं आपसे बेहतर जानती हूँ, इसलिए मैं आपको बता नहीं, आपकी माइनॉरिटी की कंडीशन आपकी बात सही है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी बात सही होगी।
के मुसलमानों की कंडीशन क्या है। मारियो मैं एक सेकंड आपके पास थोड़ा सा, हाँ एक जी आप कुछ कहने चले मैं फिर जवाब दे देता हूँ। जी यहाँ पर चीमा साहब थोड़ा सा मैं अपनी बहन को याद दहानी कराना चाहूंगी। अभी हमने विटनेस किया जब ट्रंप जो थे वो दौरा कर रहे थे हिंदुस्तान का, तो वहां दिल्ली में जो मुसलमान हिंदू रॉयट्स हुए, उसके अलावा हमने राजस्थान का, अगर ये कहते हैं कि बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बहराम नामी जो बच्चा जिसकी राजस्थान में सिर्फ बीफ के ऊपर लिंचिंग की गई, वो भी एक शक शुबे पे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और वीडियो एज एविडेंस थी, और अचानक से 6 लोग जो है वो रिहा भी हो गए। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान में हमने देखा कि ऐसे आते ही इमरान खान साहब की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि करतारपुर राहदारी खोली जाए, क्योंकि मैं खुद उस कमीशन का पार्ट थी जहां पर उन्होंने कहा कि कतासरा जो मंदिर है उसको, उसके अलावा बहुत सारे जो मंदिर हैं उनको रेनोवेट किया जाए, और उनकी जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि भाई हिंदुस्तान और मुसलमान के जो लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं सिख हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान का दौरा करें, पाकिस्तान में खुद आके लोगों को देखें, अपनी जो होली प्लेसेस हैं वो उनकी प्रायोरिटी थी। तो हमने देखा कि भाई आपने तो वहां पर क्या किया कि जो बाबरी मस्जिद की जगह को किया गया था, तो वहां पर राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, मतलब इतने ज्यादा रोइट्स हुए 1992 से लेके वो अभी तक इतना कंट्रोवर्शियल रहा फॉर द लास्ट 28 इयर्स, एंड नाउ अभी सिर्फ हमने बीजेपी के दौर में ये देखा सबसे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी का एक स्टांस हमें जो समझ नहीं आया वो ये था कि चले पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में चलती रहती थी किसी ना किसी वजह से, पर हमें जो अफसोस हुआ वो सबसे ज्यादा ये था कि अब वो बीजेपी का जो स्टांस है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, वो एंटी मुस्लिम हो चुका है, क्योंकि उनके ही एक मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों एक मैसेज किया कि भाई 30% मुस्लिम जहां पर भी होंगे तो वो क्रिएट करेंगे, भाई सीधी सी बात है हमें मसला क्रिएट करेंगे, भाई किस किस्म का मसला मुसलमानों के होने से क्रिएट करेंगे। आपने इसी बीजेपी के दौर में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार से मैं इख्तलाफ इसलिए रखती हूँ कि मोदी सरकार वो है जो एहसान जाफरी जैसे जो एक बहुत अजीम इंसान वहां की असेंबली का, गुजरात असेंबली का मेंबर था, उसको अपने 17 फैमिली मेंबर्स के साथ जब शहीद किया गया, तो आज तक वो जो केसेस हैं वो हम दुनिया में सिर्फ 21वीं सदी में वो कहानियों में जरूर पढ़े, कहानी का एक करेक्टर एहसान जाफरी जरूर बन गया है, पर पता नहीं इंसाफ मिला या ना मिला। पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी वही बात है कि मैं भी हम एज ए पीस एम्बेसडर भी काम करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हारमनी हो, और वो हारमनी ऐसे ही होगी कि जब मेरी बहन निगत आवाज जैसे लोग और बहुत सारे लोग आप जैसे बैठते हैं, भाई हम इन चीजों को जो है वो फैक्ट्स को डिस्कस करें एक्चुअली, कि कहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, और अगर मोदी सरकार का प्रॉब्लम जो है वो एंटी मुस्लिम है तो भाई उसको करेक्ट किया जाए, बिकॉज मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बसते हैं, वो बहुत सी दुनिया के हैं, जैसे आपने देखा पिछले दिनों एमिरेट्स अरब एमिरेट्स के बहुत सारे लोग बोल पड़े। फिर उसके अलावा कमर चीमा साहब मैं आपको याद दिलाती रहूंगी, पहले तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि भाई पाकिस्तान जो है वो लॉबिंग करता है, पाकिस्तान जो है वो लोगों से अजीब गरीब से आर्टिकल्स लिखवाता है, पर अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स में देखें वहां आतंकवादी नहीं बैठे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को याद दहानी कराने के लिए शुरू की, क्योंकि गलती ये थी कि ट्रंप जिस वक्त आया था पूरी दुनिया का मीडिया दिल्ली में था, और उसी टाइम पर ये पूरी कैओस क्रिएट की गई, तो वही बात है कि वो व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। मैं बिल्कुल सही है, मैं इसमें निगत बस एक चीज में थोड़ी कह लूं, जो आपने पहले बात की थी, मैंने कहा मैं मारिया को मौका दे लूं। देखिए एक पहली बात तो यह है कि अगर बीजेपी के पास आप जैसे कोई दर्जन एक और स्पोक्समैन हो ना, तो बीजेपी बड़ी इच्छी कर सकती है अपनी जो पीआर है पब्लिक के आगे, और माशाल्लाह आप बड़े अच्छे से डिफेंड करें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है निगत अब्बास, वो ये है कि जो हुआ इस्लामोफोबिया पे आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट खुद डिफेंसिव हो गई। हाँ आप बीजेपी का मैनिफेस्टो बता दें, एक सेकेंड, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो भले बता दें मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टो होना जो पैसा एलोकेट करना या मुसलमानों को जो इनकॉर्पोरेट करना गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर और उनके लिए फैसिलिटीज देना, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस्लामोफोबिया की वेव चली, जिस तरह मीडिया ने नेकेडली तबलीगी जमात को ब्लेम किया, हालांकि मैं समझता हूं कि तबलीगी जमात को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था, ये जो जो वेव चली उस वेव में तो मोदी जी और उनकी सरकार जरूर एक्सपोज हुई, और वो तकसीम जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान
इंडिया में है, भले आप जैसे प्रोग्रेसिव बंदे ये समझते हैं ऐसी कोई जो तफरीक नहीं है, लेकिन वो तफरीक कहीं ना कहीं दुनिया ने भी देखी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी है, और पहली दफा मिडल ईस्ट के लोग उस पर बोले, और उसकी वो कश्मीर के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन वो इंडिया में इस्लामोफोबिया के लिए बोले। जी आप बोले, फिर मैंने शुक्रिया चीमा साहब, आपने मुझे मौका दिया इस बात के लिए जवाब देने का। मैं आपको बता दूं, जहां तक आप इस्लामोफोबिया की बात करें, मैंने आपको बताया मैं सोसाइटी में रहती हूं जहां पर 14 टावर है। इस टावर में गिने चुने मुसलमान रहते होंगे मेरी सोसाइटी में, और आपकी दुआ से माशाल्लाह मैं अपनी सोसाइटी में बहुत ही मशरूफ हूँ, बहुत ही सेफ हूँ, बहुत ही खुश हूँ। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ना ही आम जनता में है, ना ही सरकार में, ना ही पार्टी में। थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ। मेरी बड़ी बहन मारिया जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो राजस्थान में जो लिंचिंग हुई उसके ऊपर कोई सवाल कोई जवाब नहीं। मेरी बहन आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, जिसने भी लिंचिंग करी उसको पकड़ के जेल में डाला गया और डाला जाना चाहिए। पर आप भूल गए कि हाल ही में, क्योंकि आप वही ना सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, सिलेक्टिव कमेंट्री करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते बाकी चीज में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देती हूँ कि पालघर में साधु साधु संत आप समझती होंगे, जैसे हमारे यहाँ मौलाना मौलवी होते हैं, हिंदुओं में साधु संत होते हैं, साधुओं की हत्या करी गई, उनकी लिंचिंग करी गई, पर आप में से कोई नहीं बोला। तो ये लिंचिंग हमारे देश में जिसकी भी हुई, जिस भी धर्म से हुई, जो गलत है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, और ये मेरी सरकार का नारा था, है, और इंशाल्लाह हमेशा आपकी दुआ से रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक बात बहुत प्यारी आपने ये बोली मारिया जी कि आपके यहां पर जो इमरान खान आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा माइनॉरिटी को प्रमोट करा है और धार्मिक स्थलों को। तो आपसे मुझसे ज्यादा तो आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ननकाना साहिब में क्या हुआ, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं, और किस प्रकार के नारे आपके लोगों ने लगाए थे ये मैं भूल नहीं सकती, मेरे हिंदुस्तान के सिख कभी भूल नहीं सकते। दूसरी बात, आपने बात करी राम मंदिर की, चलिए राम मंदिर की बात करते हैं। आपने कहा 1992 से इतने सालों से दंगे हो रहे थे। आप देखिए, मोदी सरकार में ये दंगा कभी नहीं हुआ, मोदी सरकार में ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉर्ट हुई, सॉल्यूशन निकला है। आपने कहा कि जहां पे बाबरी मस्जिद थी वहां को उसको तोड़ के राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। बाबर ना ही हिंदू था ना ही हिंदुस्तानी था, वो मुसलमान था, हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठिए की तरह आया था, इंट्रूड करके आया था। आप मुझसे बेहतर इसका मतलब समझेंगे कि इंट्रूजन क्या होती है, वो इंट्रूड करके हमारे हिंदुस्तान में आया। तो जो हिंदुस्तान में आज भी अगर किसी भी देश का कोई आदमी आकर अगर राम मंदिर, जिसे हिंदुस्तानियों ने भगवान श्री राम को हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का नाम दिया है, जय श्री राम हम बोलते हैं बड़े गर्व के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमान बोलते हैं, इमाम हिंद का नाम मैं दोबारा बोलती हूं, भगवान श्री राम को हिंदुस्तानी मुसलमान ने इमाम हिंद का नाम दिया। अगर हमारे इमाम हिंद की जगह पर उनके जन्म स्थल को कोई तोड़ के कोई बाहरी आएगा और तोड़ेगा और अपनी मस्जिद अपने नाम से बनाएगा तो अल्लाह भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। और अब फिर आ जाते मुसलमानों के इमोशंस पर कि फिर भी देखिए मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती, फिर भी देखिए मेरी सरकार की खूबसूरती, और फिर भी देखिए मेरे सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरती कि 2.5 एकड़ की जमीन थी जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद बनाई गई। वो 2.5 एकड़ की जमीन राम मंदिर बनाने के लिए जरूर दी, पर 5 एकड़ की जमीन हम मुसलमानों को हमारी मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं दिखाता। तो ये आपको जवाब ये भी बोलना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बोलिएगा। जैन मंदिर को किस प्रकार पाकिस्तान में तोड़ा गया था और किस प्रकार वहां पे मस्जिद बना दी गई थी ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कहां पे वहां पे मंदिरों को तोड़कर टॉयलेट्स बनाए जाते हैं उसके लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये नहीं मैं बोल रही हूं, ये पाकिस्तानी मीडिया के बयान है, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स के बयान है। उसके बाद आसिफा बीबी मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस का क्या हाल करा है वहां पर, हिंदू बच्चियों का क्या हाल करा है कि उनको तोड़ा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे घूमता है, ये मेरे नहीं घूमता, आपके व्हाट्सएप ग्रुपों पे घूमता है कि कैसे उन लोगों की बेकदरी की जा रही है, उनके जबरन रेप किए जा रहे हैं, कैसे उन बच्चियों को चाइना एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये सारी बातें बहुत हैं बोलने वाली मैं अपने हिंदुस्तान की। और फिर बता दूं, मेरी बहन का उस समय डिस्कनेक्शन हो गया था वीडियो से, मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदुस्तान वो है जहां राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम यानी मुसलमान होता है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार में, एक मिनट आखिरी 10 सेकंड, मुख्तार अब्बास नकवी और मोहसिन रजा भाई होते हैं। आप मुझे बताइए आपके यहां पर आपके पाकिस्तान में मुझे एक या दो शख्स के नाम बताइए जो हिंदू और आपके यहाँ पर मिनिस्टर हो, आप एक नहीं बताएंगे, क्योंकि आप तो अहमदियाओं को भी धक्के मारकर बर्खास्त कर देती है मेरी बड़ी बहन। देखें अब आप जो आपने इतनी लंबी चार्जशीट जो है ना वो जारी बात है आपने वो एक रखी हुई है, इस पर बड़ी डिटेल में बात हो सकती है। पहली बात तो ये आप राम मंदिर और मॉस्क की बात कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दी। देखें एक होती है जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, आपकी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेटर होता है किसी मुल्क में, जिसका काम होता है सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि वो तमाम के तमाम जो धड़े होते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव ने वो गलत फैसला कर लिया, लेजिस्लेटर ने गलत फैसला कर लिया तो वो प्रोटेक्ट करे कि क्या फंडामेंटल राइट की वायोलेशन तो नहीं हो रही,
इतनी बड़ी सेकुलर मुल्क हो, इतना बड़ा सेकुलर मुल्क हो, और उन्होंने एक्चुअली मस्जिद को गिरा के वहां पे मंदिर खड़ा कर दिया और कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत ऐसा कदम है। देखें, आपके लिए बड़ा ऐसा कदम होगा। बाबर जैसा कोई भी व्यक्ति आज भी मेरे हिंदुस्तान में आएगा तो उसको हम तहस नहस कर देंगे। बाबर के नाम पर मस्जिद थी, अल्लाह के नाम पर मस्जिद नहीं थी, बाबर ने अपने नाम पर मस्जिद बनाई थी। मैं बोला नहीं था आपकी बारी, मैं आपकी बारी बोला नहीं था, मैं खामोश रहा। देखिए निगत, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखें कि भले बाबर क्या था उसको छोड़ें, ना हम देखें ना उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था, ना वो इंडिया से ताल्लुक था, ये हिंदुस्तान उस वक्त एक टेरिटरी थी, वो आए बात खत्म होगी। हम बात कर रहे हैं 2018-19-20 आज की बात कर रहे हैं, जब आपके मुल्क में जो जिसे कहते हैं ना प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक माइनॉरिटी की क्या प्रोटेक्शन है कि आप उसको वहां से मस्जिद को हटा के मंदिर के लिए कहें और जी हमने उनके लिए जमीन एलोकेट कर दी है। मतलब ये तो कोई बात ना हुई, कल को हमें को कहें यहाँ पे कि जी आपका घर मैंने यहाँ से गिरा दिया है और मैंने आपको फला जगह जो है एलोकेट कर दिया है। मतलब इसमें कोई लॉजिक रैशनल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिर भी समझते हैं कि लॉजिक है तो जाहिर बात है आपके लिए वो लॉजिक होगा। देखिए आपने आसिया बीबी की बात की, माइनॉरिटीज की बात की, देखिए डेवलपिंग वर्ल्ड में हमारे जैसे मुल्क में पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम सेकुलर नहीं है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इस चीज का पता है, आप सेकुलर है। तो जब आपने बात करनी हो, इंडिया ने बात करनी हो, तो उन सेकुलर वैल्यूज की बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उस स्ट्रक्चर की बात करें जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका सिस्टम खड़ा हुआ है। आप ये ना कहें अभी आप सेकुलरिज्म के बेस पे बात करेंगे, आप इस्लामिक किसी आइडिया या किसी और पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो मुल्क की फाउंडेशन है वो सेकुलर वैल्यूज पे है। ये नहीं कि जब मर्जी दिल किया हिंदू बन गए, जब दिल के सेकुलर बन गए वोटों के लिए हिंदू बन गए, और जब दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना हुआ, अपनी डाइवर्सिटी दिखानी हुई, तो आप निकाल दी हम तो सेकुलर है, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे तो यहाँ बॉलीवुड में बड़े डांस होते हैं, हम बड़ी ओपन सोसाइटी है। ये देखिए ये बड़े खुले तजाद हैं, इनको मानना ना मानना आपकी अपनी एक जाती राय है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ऊंच नीच रही है, आसवा मसीह के साथ जो हुआ उसको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सोसाइटी उसको नहीं पसंद करती, लेकिन देखें उसके बाद अमेरिका ने क्या और है, इंडिया ने क्या और है, पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें, लेकिन इक्का दुक्का चीजों की। और जो अहमदी की बात की जाती है, अहमदिया की बात करते हैं बार बार इंडिया वाले, देखिए पाकिस्तान फिर एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया और उन्होंने कहा जी कि आप अपनी पोजीशन क्लियर करें, एक एक एक, एक जो सेक्ट है उसने अपनी पोजीशन क्लियर नहीं की तो स्टेट ने उस पर फैसला कर लिया। लेकिन मैं फिर समझता हूं कि स्टेट को एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं अपनानी चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच अगर आप समझती हैं वो नहीं अपनानी चाहिए और आजादी देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस तरह किया गया, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये इस तरह है। ये आप अपनी आखिरी बात कर लें, अगर काइंडली शॉर्ट रखें तो हम दूसरे टॉपिक पे भी जा सकेंगे। मैं आपसे और बात भी करना आप, क्योंकि आपने जितने भी अभी सवाल रखे आपकी दुआ से माशाल्लाह सबके आंसर में पहले ही कर चुकी हूं, और व्यूअर्स देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की जब आप बात करते हैं तो हमारा देश कितना सेक्युलर है ये मैं पहले ही बता चुकी हूं। एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड आई एम प्राउड कि मेरा देश माशाल्लाह आपकी दुआ से इतना सेक्युलर है। हम वो जज्बा रखते हैं कि हिंदू और मुसलमान को एक तराजू में तोलते हैं, अलग अलग नहीं तोलते। दूसरा आपने बोला इस्लामिक रिपब्लिक, बिल्कुल सही, आप लोग इस्लामिक रिपब्लिक है, पर माफ कीजिएगा शियाओं का हालात क्या है आपके पाकिस्तान में, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, किस प्रकार उनके ऊपर बम फोड़े जाते हैं, उनकी मस्जिदों में घुस के उनके साथ क्या किया जाता है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपने इस्लामिक रिपब्लिक की बात करी, चलिए करिए हम अपने सेक्युलर की बात कर लेते हैं। सेक्युलर में आप भूल रहे हैं कि हिंदुस्तान में पूरे कायनात यानी पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड की 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, 10% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जितना सुकून में हिंदुस्तान में मुसलमान है ये किसी और देश में हो ही नहीं सकता, जो मेरे मुल्क में हिंदुस्तान में मुसलमान की अहमियत है किसी और मुल्क में हो ही नहीं सकती। आपकी आपकी एक राय है, आपकी एक राय है, मैं चाहूंगा कि चले ठीक है हम मैं आपकी राय है, लेकिन मैं इसको अगले सवाल की तरफ लेके जाता हूँ। मारिया मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, आप थोड़ा सा आगे आगे तरफ आगे की तरफ जाते हैं और उसमें थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक और अंदाज से बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या समझती हैं मारिया के जो इंडिया के अंदर ये जो नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म एक नए अंदाज से आई है और जिसको हम एक कहेंगे कि रिविजनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, और जिसमें बेसिकली जो बीजेपी और आरएसएस जो है ये बेसिकली एक माइनॉरिटी इंडिया और माइनॉरिटी जो खिते
क्या किस किस्म के डिजाइन रखती है? मैं दोबारा सवाल को कर देता हूँ कि मोदी सरकार की और बीजेपी की जो एक्सपेंशनिस्ट रिविजनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये किस तरह इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज और खित्ते के अंदर छोटे छोटे मुल्कों को किस तरह चैलेंज दे सकती है? आप क्या समझते हैं माइनॉरिटीज खतरे में है इंडिया के अंदर भी, छोटे छोटे ममालक जो है? जी जी बिल्कुल जी, मैंने जैसे पहले भी एक जिक्र किया आपसे, पहले मैंने कहा कि जी अगर ये सिर्फ एंटी पाकिस्तान एक एजेंडा नहीं रहा मोदी सरकार का, अब ये एंटी मुस्लिम हो गया है। अगर आप इनकी छोटी सी मिसाल उठाकर देखा है तो बॉलीवुड से ही हम एक छोटी सी मिसाल देते हैं, एक मूवी बनी पद्मावती जिसके ऊपर, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को भी एक ट्रेटर और पता नहीं क्या कुछ दिखाया गया, जिसपे हिंदुस्तान ने, सॉरी अफगानिस्तान जो कि एक नेबरिंग कंट्री है, उसने भी प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो उनके लिए एक हीरो था। वो जो पुराने, हम उनको कहते हैं कि जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि बाबर भी जो था वो आया ट्यूडर था और उसने राम, आप आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट उठाकर देखें, वहां की कमीशन की रिपोर्ट उठाकर देखें, उन्होंने बताया है वहां पर ये, बल्कि एक इंटरनेशनल आर्टिकल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ जो कि मैंने खुद पढ़ा है, मैं उसका लिंक आप दोनों को भेज दूंगी, जिसमें ये साबित किया गया है कि वहां पर कोई मंदिर की नामो निशान नहीं थे, वहां पर कोई मंदिर के रिमेन्स नहीं मिले हैं जिस बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे हम कहते हैं कि जब से ये मोदी सरकार आए हैं, इनके तो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी बहुत ज्यादा तालुकात खराब होना शुरू हो गए। हिंदुस्तान के बाद सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की कहां पे थी? नेपाल में, जो कि कहते थे कि ये तो एक पॉकेट कंट्री है, ये तो हमारी जेब में है, हम जब निकालेंगे नेपाल का कार्ड यूज कर लेंगे। आप मुझे ही बताइए आजकल नेपाल के साथ आपके तालुकात कैसे हैं, आपने चाइना के साथ क्या तालुकात रखे हैं? अभी तो हम रिसेंटली अच्छा, जब वीडियोस देख रहे हैं जी, और उसके अलावा ये है कि ईरान भी प्रोटेस्ट करने पे, जो कि हम कहते थे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए मोदी सरकार की उस पे कि भाई ये जो आपकी पॉलिसीज चल रही हैं, आरएसएस, आपने कहा तबलीगी जमात और मदरसों का जिक्र किया, आई एम सॉरी टू से माय सिस्टर, प्लीज आप भी अपना थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको करें। हिंदुस्तान की वाकई डायवर्सिटी, उनकी लैंग्वेजेस, हम उन सब चीजों को रिक्वेस्ट करते थे, पर अभी हमें पिछले अरसे में ये एक, हमने कश्मीर में विटनेस किया कि जो हमारा उर्दू स्क्रिप्ट, फारसी स्क्रिप्ट था कश्मीरी जुबान का, उसको संस्कृत में किया जा रहा है, यानी कि आपको जुबानों से भी इतना मसला होना शुरू हो गया कि मतलब ये जो आप सारी अपनी डायवर्सिटी को चैलेंज करें, और खास तौर पर इस मोदी सरकार के दौर में, तो ये सिर्फ आपके लिए थ्रेट नहीं होगा हिंदुस्तान की साख को, उसके सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि जो एक आपका इमेज था पूरा सेक्युलर का, जैसे कि चीमा साहब ने भी कहा, हमने तो अपने आप को कभी कहा ही नहीं कि भाई हम सेक्युलर हैं, सीधी सी बात है, अहमदिया कम्युनिटी जो है वो 0.1% से भी कम है पाकिस्तान की इस वक्त पॉपुलेशन की, आपके तो इस वक्त 1.5 अरब 20 करोड़ लोगों में से 30-40 करोड़ मुसलमान है, तो आपकी तो वो पॉपुलेशन के 30% बनते हैं। आपका ये जो कैड और ये जो सिटीजन अमेंडमेंट जो नया मोदी साहब ने अमेंडमेंट जो बिल्स थे वो खोल दिए आप लोगों के लिए, एक नया कटारा खुल गया, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मेरी बहन, आप सब लोग जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, अगर तो कल वाकई बीजेपी सरकार ने इतना तंग करना मुसलमानों को शुरू कर दिया तो मेरे दरवाजे आपके लिए जरूर खुले हैं। नहीं नहीं, वो निगत आवाज जो है, एक तो मुझे पता ही अपना बड़ा अच्छा केस पेश करेंगी अगर कल को ऐसे हालात पैदा हुए, और दूसरी बात यह है कि शी विल स्टैंड अप, शी इज, जिसे कहते हैं ना, बड़ी बेखौफ किस्म की शी इज एन एडवोकेट, और मुझे भले कहते हैं देखे भले आपका दुश्मन हो लेकिन तारीफ जरूर करनी चाहिए। देखिये हमारी विकेबलरी में नहीं होना चाहिए, बस ठीक है, हम जो है ना मोदी सरकार से डिबेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये एक, 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 एक मजे की बात सुनाना, देखिए पहली बात तो ये है कि हम इंतहाई आर्गुमेंटेटिव बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बंदे को अपनी बात करे जो भी कर रहे हैं, बल्कि आपके तो इतने फैंस मैसेज भी कर रहे हैं, मैं उनको डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर जो आपको प्यार भेज रहे हैं, लेकिन मैं और आपको सारी बातें यही करना चाहिए। एक और आपका एक फैन है, उसने मैसेज कर दिया, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ दोबारा, आपसे बड़ा प्यार करते हैं सब, कह रहे हैं निगत दीदी, तो अच्छा ये बताएं कि आप ये बताएं, यही सवाल आपसे मैं करता हूँ निगत अबास, ये जो रिविजनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये किस तरह इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज और खिते में माइनॉरिटीज के लिए खतरा है या नहीं? देखिए जहां तक आपने पहले जो बात आपने कही और मेरी बड़ी बहन ने यहाँ पर बात करी, मैं उसी बात से शुरू करना चाहूंगी, आप लोगों ने नेशनलिज्म की बात करी,
तो बड़ी बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े गर्व के साथ हम अपने दिल में अपनी राष्ट्रवादिता और अपना नेशनलिज्म लिए फिरते हैं और किसी चीज का हमें डर नहीं। और ये शुरू से कोई नया नहीं आया, ये बहुत पुराना है और ताउम्र मरते दम तक रहेगा, इंशाल्लाह मरने के बाद भी रहेगा, हमारी रूह में समाया हुआ है ये नेशनलिज्म, हम कभी इसे खत्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पर आपने आरएसएस और बीजेपी की एज यूजुअल चीमा साहब ने बात करनी थी आरएसएस की, तो बात कर ली, तो चलिए बात करते हैं नेशनलिज्म। आपने कहा, फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगी, आपने नाम तो सुना होगा, जब आपने आरएसएस का नाम सुना, मोहन भागवत जी का जो सर संचालक है हमारे आरएसएस के, उन्होंने एक बात कही थी और बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, अपने दोस्तों को जाके पाकिस्तान में जरूर बताइएगा। उन्होंने कहा था, हिंदुत्व जिससे आप लोग काफी चिढ़ते हैं, हिंदुत्व हिंदुस्तान में तब तक कामिल नहीं है जब तक हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। तो ये है आरएसएस की आइडियोलॉजी और सोच और एजेंडा जिसपे हमारा हिंदुस्तान चलता है बड़े गर्व के साथ। तीसरी बात, मेरी बहन ने यहाँ पे कहा पद्मावत में तो अफगानिस्तान तक में प्रोटेस्ट हुआ, तो होगा ना, जाहिर सी बात है मैम, अफगानिस्तान से ही तो वो आए थे हमारे देश में लूट मचाने, तो जाहिर सी बात है जब उनका चोर यहां पर पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है वहां पे तो प्रोटेस्ट करेंगे जब उनकी हम सच्चाई हमारे टीवी पर दिखाएंगे। उसके बाद आपने बात करी हिंदी और संस्कृत की, तो हिंदी और संस्कृत तो हमारे लिए वैसा ही है जैसे उर्दू और अरबी, मुसलमानों के लिए हिंदी और संस्कृत उतनी ही अहमियत रखता है जितनी की हिंदुओं के लिए, और हम इसको अपने सर पे सजदे की तरह रख के घूमते हैं क्योंकि हम इससे कभी भी अलग नहीं हो सकते। मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान और हर मुसलमान के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए, हिंदुस्तान में हिंदी संस्कृत उर्दू अरबी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, इसके बारे में अगर आप बोले तो वो गलत होगा। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी बात, एक मिनट बोलने दो, बड़ी देर आप बोले, थोड़ी देर मेरे को मौका दे। नहीं, मैंने कहा जरा जवाब दे देना, जवाब दे दे सवाल का, मैंने ये नहीं, मेरी बड़ी बहन ने थोड़े से सवाल रखे, उसके जवाब दे दूं, उसके बाद आपके जवाब पर आएंगे। फिर यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की, तो चलिए बात करते हैं, इमरान खान की आपने बात करी, आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर की थोड़े से चिट्ठे हम यहाँ पे आपके सामने खोल देते हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। आपको मालूम है कि आपके पाकिस्तान के बजट में सालाना 30% यानी 30% बजट आपके यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कर्जा उतारने में लग जाता है। 30% is a very, very big amount and that is a big reason. आपको टेंशन लेनी चाहिए इस चीज की, ये आपके पीएम की वजह से, इमरान खान की वजह से हुआ है। दूसरी बात, 14 लाख करोड़ का कर्जा ऑलरेडी आपके डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ले चुके हैं, जिसमें से 8 लाख करोड़ तो अभी हाल ही 1.5 साल का पीछे का बायोडेटा मैं आपको दे रही हूँ। $6 billion IMF से अभी बेलआउट पैकेज आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रिय इमरान खान जी ने लिया है, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी किस लिए लिया मैं बता दूं, कर्जा उतारने के लिए। तो एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, तो आप जरा सोचिए कि आपका देश कहां जा रहा है। तो दैट इज द बिग रीजन टू वरी। फिर आपने एजुकेशन सिस्टम की बात करी, चलिए इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, और मुझसे ज्यादा अगर आप नहीं जानते इस बात को तो जाकर अपने दोस्तों को, हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में जरूर बताइएगा। सिर्फ 5 नाम गिनवाऊंगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी चीमा साहब आपका। सबसे पहला, अगर आपने सुना हो कि गूगल के सीईओ का क्या नाम है, हिंदुस्तानी है, सुंदर पिचई साहब। अडोब के सीईओ का क्या नाम है, शांतनु है, हिंदुस्तानी है। पेप्सिको की सीईओ का क्या नाम है, इंदिरा नुई जी, हिंदुस्तानी है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, हरमन इंटरनेशनल दिनेश जी, वो भी हिंदुस्तानी है। पैलू ऑल्टो की जो सीईओ है निकेश अरोड़ा जी, वो भी हिंदुस्तानी है। अब जरा पाकिस्तानी सीईओ की और कंपनीज की बात कर लें, बुरा मत मानिएगा, पर इंटरनेशनल लेवल पर है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, कसाब कंपनियां, पता है आप लोग क्या चलाते हैं, जैश मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ओमान, जैश मोहम्मद, ये तो आपकी रेटरिक होगी ना, सवाल का जवाब भी तो दे देना। ये तो ये मैंने मेरी बहन ने एजुकेशन सिस्टम पे सवाल के जवाब मांगा। एक चीज, एक बात, घनचक्कर में जो हर चीज बतानी है, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं देना। आपके सवाल का जवाब दूंगी आखिरी, एक आखिरी बात, फिर आपने लिटरेसी रेट और एजुकेशन सिस्टम, फिर आप अपना सवाल दोबारा दोहराइएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगी। लिटरेसी रेट मेरे हिंदुस्तान है, आप 15 मिनट बाद कह रही हैं, 10 सेकंड, ओके, मेरे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो है 135 करोड़ और लिटरेसी रेट है 74%। आपके पाकिस्तान की माशा अल्लाह जो पॉपुलेशन है वो है 21 करोड़, लिटरेसी रेट है 59%, तो बहुत दूर है। पहले इसको जरा मिला लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अब आप सवाल करिए। अच्छा, अब मैं दोबारा वही सवाल करूंगा, आपने इतना लंबा जवाब दे दिया। हाँ, वो भी कहाँ चला गया हमारा आरएसएस का सवाल, 32 स्टेट्स घूमने चला गया। नहीं, बताइए सवाल दोहराइए। मैं सवाल दोबारा मेरे भाई जी, मेरा सवाल ये था, वैसे इसका जवाब तो बनता है, मुझे एक सेकंड के लिए जवाब लेने दे, ऐसे ना हो आपकी बारी। अब आपने
बात की है कि जी पाकिस्तान का 30% बजट तो डेट के लिए चला जाता है। देखिए आप एक डिफिकल्ट इकोनॉमी में, आपको पता है हमारी जीडीपी 315-16 अरब डॉलर की सालाना जीडीपी, आपकी जीडीपी 2.5 ट्रिलियन की है। अरे सुनिएगा बात मेरी, 2.5 ट्रिलियन और 316 अरब। देखिए निगत अब्बास साहब, आप पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा आबादी की मालिक है, 140 करोड़ का मुल्क है, 140 करोड़ के मुल्क को जरा डिवाइड करें ना आप, आपकी जीडीपी भी हमारे जितनी है, सिर्फ आपको जो एज है वो आबादी का है। अगर आबादी ना होती तो आप भी हमारे जैसी है, क्योंकि हमारे, सुन ले ना बहन, सुन ले अब, सुन ले सवाल का जवाब दिया, सुन ले जो चीमा साहब सवाल पूछते पूछते गायब हो गए मरिया बहन। कैसी है मेरे ख्याल से लिया, देखे हाजिर होने वाले कनेक्शन पिछले कुछ भाईजान, भाईजान आपकी आवाज कट गई पाकिस्तान की, सॉरी आगे दोबारा आगे। देखे बहन देखे, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में कर्जे लिए थे, हमारी इकोनॉमी उस तरह नहीं चली, हमने 15 साल आपकी भेजी हुई दहशत गर्दी को कंट्रोल किया है, हमने जो अफगानिस्तान के रास्ते आप दहशत गर्द जमातों को भेजते थे उनको हमने ठीक किया, पाकिस्तान में जो आपने एपीएस हमले में जो लोग आए थे वो इंडिया ने वहां से अफगानिस्तान से भेजे थे, कुलभूषण यादव को ठीक किया है, कराची में आप अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल करके जो अर्बन वॉरफेयर और प्रॉक्सी कराते थे, हमने 15-16 साल दहशत गर्दी की जंग लड़ी है मेरी बहन, उस जंग में हम जीते हैं, उस जंग में जीते हैं, वो जंग जो सुन ले ना अब मेरी बहन सुन ले, फिर अगले सवाल पे जाएंगे, उस जंग को 20 साल जब ग्लोबलाइजेशन, अब सुने आप जरा पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, 1990s के बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई, हमने देखा जी एडवांटेजेस आएंगे, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मार्केट इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू हुआ, और साथ ही 9/11 हो गया, हमारे हमसाये में जंग आ गई, हम उस जंग से इतने मुतासर हुए कि हमारा तो बॉर्डर भी नहीं था, और फिर अजीत दोवल साहब ने 2014 में आने के बाद यहाँ पे कई कुलभूषण यादव की लौटे भेजी पाकिस्तान ने, उन सबको पकड़ पकड़ के ठिकाने लगाया है, और अभी भारत को भी बता रहे हैं और दुनिया को भी बता रहे हैं भैया कि अभी पाकिस्तान जा रहा है आगे, अगर रोकोगे भी तो नहीं रुकेंगे, और सारा इन भारत, अगर हमसे जो 7 गुना बड़ा भारत है, 7 गुना बड़ा भारत, जो पूरे, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं देना, मैं सवाल अब छोड़ देता हूँ, अगला सवाल करता हूँ, ताकि हम इन्हीं बहसों में ना पड़े रहे, मैंने सिर्फ आपके जो थोड़े बहुत इल्जाम थे उनको करने की कोशिश की है, हम आपसे 7 गुना छोटे हैं मेरी बहन, तो जब 7 गुना छोटा मुल्क हो, आपके अपने मुल्क की हालत देखे, 140 करोड़ मुल्क में आप देखे ना लिटरेसी रेट क्या है वहां पे, अगर बात करेंगे तो दूर तक चले जाएगी, लेकिन अहम बात यह है हमने पिछले 18 साल निगत अब्बास बहन, हमने पिछले 18 साल जो है वो आपकी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म थी उसको डील किया है, उसको खत्म किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द जमात नहीं पनप रही, और आपने हाफिज सईद की बात की, सुन ले हाफिज सईद इस वक्त भी जेल में है, सुनने बाद उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर इस वक्त केस चल रहा है, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो मैं बता देता हूँ, इस वक्त चले दे ले, लेकिन वो इस वक्त जेल में है, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह का आप कह रही हैं, आप भले कहते रहे कि पाकिस्तान दहशतगर्द करते रहे, लेकिन हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमने 18 साल आपकी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को रोका है, और 70,000 जो लाशें गिरी इस मुल्क में उसको हमने रोका है, मेरा ख्याल अगला सवाल पे जाना चाहिए या बात करेंगी आप जी, हेलो सवालों के बहुत जवाब है मेरे पास, मल्टीपल है, समय कम हो जाएगा, जी जी मैं भी हूँ यहाँ पे, हिंदुस्तान को भूल जाते हैं, हिंदुस्तान को चीमा साहब भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हिंदुस्तान को भूल जाते हैं, सिर्फ एक नाम बताऊंगी, मसूद अजहर, यूएन ने बोला, मैंने नहीं बोला, निगहत अब्बास ने नहीं बोला, मोदी सरकार ने नहीं बोला, हिंदुस्तान ने नहीं बोला, मसूद अजहर को यूएन ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है और फिर भी वो जेल से रिहा है, रही बात हाफिज सईद की, खुदा के खुलेआम कहता है हाफिज सईद कि उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट कराए, हिंदुस्तान पे हमला, जिहादी हमला उसने करा है, फिर भी आप ट्रायल में फंसे हुए हैं, आप लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने जवाई बना के तो रखा हुआ है, पर आज तक उसे जेल में उस तरीके से नहीं डाला जिस तरह से वो डिजर्व करता था, और मेरी बात याद रखिए, हमारे देश को क्या आप ही के देश को खोखला करते जा रहा है ये तालिबानी पाकिस्तानी आतंकवादी, इसको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा कि आवाम को मैं गलत नहीं कह रही, आपकी आवाम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, पर कहीं आप तो उन आतंकवादियों के तलवे चाटने में जो कुछ लोग आपके लगे हुए हैं, जो आपकी आर्मी लगी हुई है वो ना लगी रह जाए, दहशत
कर दी कि आपने बात करी, पुलवामा का हमला आप लोगों ने करवाया था, हमने दहशतगर्दी, शायद आप एयर स्ट्राइक और नहीं, नहीं, स्ट्राइक को तो नहीं कह रहे, वो करते हुए आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसकी थी। इमरान खान आज भी यही कहते हैं, अरे अरे अल्लाह तौबा, हिंदुस्तान ऐसा केस ना कर दे, ऐसा हमला ना करा दे मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सदमे से जरा बाहर आई आप, यकीन मानिए आपके साथ हम भी बुरा नहीं करेंगे। और दहशतगर्दी कौन करते और कौन नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर आपका देश एक्सपोज हो चुका है, मुझे मेरे देश की यहाँ पे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, पूरा विश्व जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। जी निगत बात, पहले तो लेकिन एक छोटी सी बात, मारिया एक सेकेंड काइंडली, वो क्योंकि हमारे 50 मिनट हो गए ऑलमोस्ट, तो वो हम चाहते हैं कि सवाल भी सारे कवर करें ना, सिर्फ रेटरिक ना चलती रहे। आपने कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो उससे बाहर निकलेंगे, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल बाहर निकले हैं, क्योंकि कबूतर कबूतर पकड़े चल रहे, सुने तो सही ना, अरे बहना सुने तो सही ना, निगत बात सुने तो सही ना, फिर अगला सवाल करूंगा मारिया से। सुने, आप तो कहते हैं ना कि हमें जो सर्जिकल स्ट्राइक से वो सदमे से बाहर निकले, ठीक है, हम तो जो सर्जिकल स्ट्राइक कवा छवा मर गया, लेकिन अभिनंदन जब दोबारा जहाज पे बैठने लगा था तो कम से कम इंडियन एयर चीफ बिठाने आया था, उसने जहाज साथ उड़ाया था, इतना खौफ था अभिनंदन में, जो अभिनंदन को बिठाने जो एयर चीफ आया हो, जरा भारत का क्या हाल होगा, जरा मैं बता दूं, 140 करोड़ जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा अगर अभिनंदन को दोबारा जहाज में बिठाना है। अभिनंदन जैसा अभिनंदन जैसा सोल्जर हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है और हर हिंदुस्तानी गर्व से उसे जहाज पर बिठाएगा। मेरी बहन निगत हमारे जहाँ अभिनंदन साहब गिरे थे वो मेरे घर से 20 किलोमीटर के फासले पर भी नहीं है, वहीं से लोग उनको उठाकर ले गए थे, फिर हमने वाघा से बड़े ही बारात की सूरत में उनको वहां हिंदुस्तान पहुंचाया, और अभी भी हम इंतजार करते हैं उनके हिस्से की, चाय तो अभी भी पड़ी है, बड़ी चाय वाय के इश्तहार बनते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि जो जिस जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की आप बात करते हैं वो भी 20 किलोमीटर यहाँ से दूर है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स यूएन ऑब्जर्वर आए, सब देख कर गए, पूरी दुनिया का मीडिया आकर देख गया। तो जी मैम, अच्छा मारिया जी चलिए मान लिया 20 किलोमीटर की दूरी पर आपके यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई थी, पर मुझे इतना बता दीजिए कि आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अल्लाह तौबा कर ये क्यों कहा था कि मोदी सरकार अभी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हमले की तैयारी में है। याद रखिएगा अभी बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बाकी है, ये इमरान खान के बयान ये, के अच्छा, थे। ये प्राइम मिनिस्टर के बयान की सफाई दे दीजिए। और रही बात हमारे हिंदुस्तान की और अभिनंदन की, तो मैंने कहा हमारे दिल में बसा है, और जिस जोश से हम अपने अभिनंदन को वापस लेकर आए थे उसी जोश से वापस भेज भी लेकर आए थे, हमने भेजा बारात से जाके, बाराती से जाके अभिनंदन भेजा, आपको भेजना पड़ता क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी की इतनी हैसियत नहीं था कि हिंदुस्तान का एक सोल्जर अपनी जगह रखे। नहीं नहीं, ये हैसियत वाली बात नहीं है, हम वैसे काइंड लोग हैं, हम आपने बड़े इल्जामात लगाए, मोदी साहब ने बड़े इल्जामात, हमें पता है कि वहां पे मुसलमानों की जिंदगी आजाद हो जाएगी। जी जी सीमा साहब, ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान खुश है, आप आइए हमारे घर आइए, खवातीन को रोकना मुश्किल हो जाता है, सुनिएगा, दिखाएंगे आपके लिए माशाल्लाह हिंदू, सुने तो सही ना, आप भी आइए, बात भी तो सुन लेना, आप भी आइए, जी बोलिए, सुने जी बोले बोले, सवाल तो अभी कुछ ना कोई बात नहीं होगी, आप भेजें, आप अभिनंदन को भेजें, उसके किसी और दोस्त को भेजें, लेकिन एक बात सुनेंगे, आएगा हवा से जाएगा जमीन के रास्ते, ये हमारा आपसे वादा है। अगला सवाल है करतारपुर कॉरिडोर पे, देखिए आप थोड़ा पीस बिल्डिंग पे बात करें, हम थोड़ा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे बात करें, क्योंकि सवाल चेंज करना बहुत, आप मारिया आपसे मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान ने करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला और उस कॉरिडोर खोलने का मकसद ये था कि हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बनाए, रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करें, और देखें आपने ताल्लुकात ठीक करने हो किसी मुल्क के साथ तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है, तो आप क्या समझती है की जो कोशिश थी करतारपुर साहब को कॉरिडोर खोलने की वो क्यों कर गए, भारत के अंदर उसको लिंक कर दिया गया जी कि शायद खालिस्तान मूवमेंट दोबारा एक्टिव हो रही है, और सिखों को क्या जिस तरह मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है वहां सिखों को भी सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाता है, पहले मारिया फिर निगत अब।
जी बिल्कुल, इस वक्त देखिए चीमा साहब, अगर पाकिस्तान की आप देखें विरसे के हवाले से, हेरिटेज के हवाले से, तो हिंदुओं की और सिखों की जो होली प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तादाद में ज्यादा हैं। और जब से पार्टीशन हुई थी, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं कतास राज गई तो वहां पर मुझे लगा कि वहां पर पता चला कि ये तो सेकंड मोस्ट होलीस्ट प्लेस है, वहां पर लोग बहुत दिल से आना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आगे पीछे जब जब ताल्लुकात खराब होते थे तो उसकी वजह से जो ये राहदारियां हैं बंद कर दी जाती थी। मगर ये जो गवर्नमेंट आई, जो बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को याद कर रही है, मेरी बहन, तो वो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि भाई बात ये है कि जब तक यहाँ पर जो हिंदू हिंदुस्तान के हिंदू और हिंदुस्तान के सिख जो हैं वो पाकिस्तान आके अपनी आंखों से देखें कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, यहाँ पर अगर हिंदुस्तान नारा लगाता है सेक्युलरिज्म का, अगर हम नारा लगाते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, तो हमारे अंदर मेजबानी जो है वो कहीं ज्यादा है, हमारे अंदर कमजरफी उस तरह की नहीं है कि हम COVID-19 के दौरान भी जो है वो मुसलमानों के, जैसे हिंदुस्तान ने मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई मोदी सरकार ने, कि वो पहले तो इकोनॉमिकली बैक बेचारे गिर ही चुके थे और ही गिरना शुरू हो गए। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये हम देखते हैं कि ये जाहिर है कि किसी के भी फायदे में नहीं है, दोनों कंट्रीज के फायदे में नहीं है, मगर पाकिस्तान को आपको इस चीज को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने भाई ये इनिशिएटिव लिया है। जब जब टॉक्स की बात हुई है, जो कॉन्फिडेंस मेयरिंग बिल्डिंग मेयर्स की बात हुई है, तो पाकिस्तान ने इसका इनिशिएटिव लिया। जहां तक बात हुई अभी तक मोदी सरकार साहब ने, अगर इमरान खान की गवर्नमेंट जो भी है चले उनके साथ राबते में नहीं है, मगर इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी तरफ से कोई एक ऐसा इकदाम नहीं किया। जहां तक आप बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर आप लोगों के अपने हमसायों के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं है, वहां से भी आज हमने जैसे चाइना की वीडियो भी देख रहे हैं भाई, कि वहां पे आप कश्मीर में तो बहुत शेर बन जाती है हिंदुस्तानी फौज, वेंटिलेटर्स की तादाद जो है वो 20,000 बंदे के ऊपर एक है, पर ये है कि अच्छा। 9 बंदों के ऊपर एक फौजी खड़ा है, ठीक है। तो वहां पर जो इतनी शेर फौज है 9-10 लाख के करीब मकबूजा कश्मीर में, बॉर्डर पे उनका हालात इतने ऐसे थे कि इतने सबमिसिव तरीके से खड़े थे कि मैं हैरान हो गई कि भाई चाइना के सामने पोजिशन आपकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो बात ये है कि जहां तक हम बात करते हैं अपने, आज भी मैं कहती हूँ कि बिल्कुल हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो वहां के हिंदू हैं, वहां के सिख हैं, वहां अपनी नेशनल ये सॉरी हेरिटेज है, जो अपनी रिलीजियस हेरिटेज है उसको करेंगी विजिट। आप करतारपुर? जी 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 अच्छा, करतारपुर पर मुझे जाहिर है वो एक बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब ने, और उसको पूरी दुनिया में सराहा गया। और हमेशा जब भी पाकिस्तान कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेता है, हिंदुस्तान की तरफ से हमें कोई ना कोई ऐसा नजर आता है कि चले वहां पर तो दुनिया देखेगी, पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अचानक से जंग छिड़ जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल इतना जलने लगता है, आर पार के लोग जो हैं वो मरने लगते हैं। भाई बात यह है कि जब हमारी भी कभी, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के भी करीब रहती हूँ और मुझे पता है कि बार बार जो लोग इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पार भी मुसलमान बसता है, इस पार भी मुसलमान बसता है, और पाकिस्तान आर्मी का जो ईमान है वो यही है कि मुसलमान को मार के क्या भाई करना। तो वही वही बात है कि जब हिंदुस्तान हमेशा इस चीज का इनिशिएटिव लेता है तो इन रिस्पॉन्स हमें करना पड़ता है। मगर ये जो चीज है, ये जो जब भी पाकिस्तान ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो फौरन उसकी साख को गिराने के लिए भी जो पॉलिसीज थी वो हमें पता है कि कहाँ पे तैयार होती है, वो तो अब इंटरनेशनल मीडिया में भी आती है, इंटरनेशनल आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि हमें से कोई इतना मासूम है जिसको ज्यादा पता ना हो। तो जी 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 मैं साहब, निगत, आप क्या समझती हैं इस हवाले से? जरा करतारपुर साहब की कॉरिडोर के खोलने की स्पिरिट पे बात करें कि नहीं, क्या बहुत ये अच्छा इनिशिएटिव कॉरिडोर है, बिल्कुल आपको सवाल रखने की जरूरत ही नहीं है। करतारपुर साहिब का जो खोला आपके हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ने, मैं तो अभी भी कहूंगी ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसी प्रकार इसी तरह दोनों मुल्कों में दोस्ती बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई दो राही नहीं है। और ऐसे इनिशिएटिव हमारे हिंदुस्तान ने बहुत लिए, चाहे वो नदियों का रुख हो, चाहे वो पानी आना जाना हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बॉर्डर्स पर दोस्ती का पैगाम हो, ये हमेशा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन वायोलेशन आपके यहाँ से होता है ज्यादातर मेरे भाई, हमारे यहाँ से नहीं होता। फिर मेरी बहन ने यहाँ पे देखिए आपकी आप पता नहीं मरिया जी अब मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, पर उनसे एक सवाल था, उन्होंने अपनी बातों बातों में एक बड़ी बहुत ही जरूरी बात कही, शायद आपको अगर समझ आए तो मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा, और पूरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर व्यूअर्स को समझ आए तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी समझना चाहूंगी कि मेरी बहन ने ये सो बोला कि पाकिस्तानी आर्मी
हमला वहां से नहीं करती है क्योंकि उनको ये लगता है कि इधर भी मुसलमान है और उधर भी मुसलमान है। आपका क्या कहने का मतलब है कि अगर हिंदू होते तो शायद आप हमला कर देते? ये तो हम कहते हैं कि मुसलमानों को आप छोड़ दीजिए, आप तो हिंदुस्तान में घुसकर हमला करना चाहते हैं और आपको पता है कि तादाद माइनॉरिटी से ज्यादा मेजॉरिटी हमारी जो है वो हिंदुओं की और हिंदुओं पे आप लोग हमला करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब था कि इधर भी मुसलमान है उधर भी मुसलमान है, हम हमला किस पर करें? माने अगर हिंदू होते तो आप हमला कर देते क्या? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने सारी बात बोली मुझे बहुत नहीं। मैं नहीं 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 देखिए वो जारी बात है कि वो एक पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि कहा जाता है जी मुसलमान मुल्कों के अंदर कहा जाता है कि जी मुसलमान आपस में ना लड़ें, लेकिन देखिए पाकिस्तान इंडिया के हवाले से कभी भी आपने छोटी सी लफ्ज में आपने जवाब दीजिए उसी बात का मैं आपको जवाब देती हूँ कि हिंदुस्तानी के दिल में क्या है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं करते, हमारे यहाँ तो अल्लाह ने खुदा ने भगवान श्री राम ने एक ही पैगाम दिया कि हिंदू या मुसलमानों सब मिलजुल कर रहे, किसी को धर्म देखकर जाति देखकर ना मारे। तो जब आपके बयान में अभी हिंदू मुसलमान आ गया तो सोचिए जब आप कुछ डीट करते हैं जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कितना हिंदू मुसलमान नजर आता होगा। यही तो मैं कह रही हूँ, माइनॉरिटी कम हो रही है और हमारी माइनॉरिटी बढ़ रही है, इसका आपके पास क्या? देखिए सुने उसमें मेरी बात सुने आपने ये जो एक पर्सपेक्टिव है ना इंडिया के अंदर कि जी माइनॉरिटीज बढ़ रही है जो है वो मुसलमान। देखिए इंडिया 140 करोड़ आबादी हो चुकी है, इंडिया बहुत बड़ा है, तो कम से कम वहां पे माइनॉरिटी और यहाँ की देखिए मैं तो ये भी कहता हूँ और मैं बड़ा बड़े दिल से कहूंगा कि सुनिएगा बात, मैं खुले दिल से बात कर रहा हूँ कि इंडियन मुस्लिम दुनिया के वाहद मुस्लिम है जिन्होंने पिछले 70 साल से अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी देखी है जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। हम इसको सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं। देखिए जो चीज अच्छी हो वो अच्छी है, लेकिन इसके साथ जो मैं सुने ना मैं हमारे मिडिल ईस्ट में कई डेमोक्रेसी नहीं है मुस्लिम दुनिया में, हमारे भी यहाँ पे आपको पता है रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी एक टर्म बोलता हूँ मैं, रिवॉल्विंग डोर आती जाती रही है लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हुई है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जिसमें इसमें निगत बात पाकिस्तान आप माइनॉरिटी की आप बड़े सेटिस्फाइड होकर बात कर रही है कि जी नहीं मुसलमान जो है वो उनको कोई मसला नहीं है और किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं है। देखिए आप भले कहते रहे पूरी दुनिया के अंदर कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की, आपने जो कश्मीर में देखिए आप एक सेकुलर मुल्क हो के आपने कश्मीर इलेक्टेड गवर्नमेंट को उतार के पीछे किया, एक गवर्नर को बिठाया और मरकज ने अपनी मर्जी से तब्दीलियां की। आप क्या कहते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का काम है, ये एक सेकुलर कंट्री का काम है? मैंने पहले बात की ये कैसे देखिए आप अगर 140 करोड़ मुल्क है ना का मुल्क है तो जो आप कश्मीर में करने लगे हैं अगर आप किसी और इलाके में करें ये सिर्फ मुस्लिम टेरिटरी में हो सकता था। निगत बात आप नहीं मानेगी क्योंकि आपने फिर भी दिल्ली में रहना है, वहां पे हालात इस तरह के हैं, बाहर निकलना है, लोग बातें करते हैं, वो चीजें नहीं रहती। आप खुल के डिफेंड करें बीजेपी को और आरएसएस, आपने उनकी बात की मोहन साहब की बात की कि हिंदुस्तान में मुसलमान रहने से ठीक है, लिप सर्विस और है बात एक और होती है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है सारी दुनिया मान रही है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की जो उनके अंदर जो उनका जो खतरा है वो बढ़ा है उनका 2014 के बाद। लेकिन क्योंकि निगत आवास नहीं मानती तो मैं निगत आवास को जबरदस्ती नहीं बना सकता, लेकिन हम दुनिया की जो परसेप्शन है वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं और रियलिटी आपके सामने कश्मीर में कर्फ्यू लगा के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करके। जब मैंने आपको कहा था ना सेकुलर कंट्री की वैल्यूज होती हैं, आप अपनी वैल्यूज को जांचें, क्या आपकी वैल्यूज वही है जो कश्मीर में हो रहा है? जी कश्मीर की जब आपने बात करी, चलिए आप मीलों दूर बैठकर कश्मीर की बयानबाजी करेंगे और हम सुन लेंगे, ऐसा नहीं होगा चीमा साहब। जरा आपको कश्मीर की आपको सच्चाई से वाकिफ कराते हैं, क्या आप जानते हैं? फिर आप मुझे अपने कश्मीर के बारे में बताइएगा जिसे आप अपना कहते हैं नहीं। हमारे कश्मीर की मैं आपको बता देती हूँ कि आफ्टर 378 डिमोलिशन एंड आफ्टर 35 डिमोलिशन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 41 कंपनीज ऑलरेडी ऑफर कर चुकी हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में होएगी। वहां पे कंपनीज आएंगी जिसमें डिफेंस है, स्किल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और आईटी कंपनीज है और पता नहीं कितनी कंपनीज है, मैं आपको शायद गिनूंगी तो आप समझ भी नहीं पाएंगे इतनी कंपनीज है जो। और 15,000 करोड़ का अमाउंट माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है। ये हमारे कश्मीर के हालात, आप किसी भी आम कश्मीर से जाके पूछ लीजिए कि किसी को अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो महबूबा मुफ्ती जिनके ऊपर सप्रेस करने की कोशिश करती है उन्हीं लोगों को दिक्कत है
है जिन्हें फारूक अब्दुल्ला सप्रेस करने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की तरफ से कभी भी किसी कश्मीरी को दिक्कत नहीं होगी, और अगर होगी तो कमर चीमा ओपनली आपके साथ आपके चैनल पे माशाल्लाह बोल रही हूँ, निकट अब्बास सबसे पहले उनके साथ खड़ी होगी, मुझसे पहले मेरी सरकार और मेरी पार्टी खड़ी होगी। देखें अभी तो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट और जो कश्मीर के अंदर आपने बात की, सुने 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 मेरी बात, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपने बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे मेरी बहन भी बैठी हुई थी इस समय, मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मारिया जी ने बोला वो चली गई, उन्होंने किया और जाना। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के लिए उन्होंने मेरे को एक बात बोली, आप भी यही बात बोलते हैं कि आप लोग तो अपने कागजात तैयार रखिए, शायद आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पढ़ा नहीं। मुझे एक लफ्ज, एक लाइन पेपर में आप मुझे बता दीजिए, दो पन्नों का वो बिल है, एक लाइन एक लफ्ज बता दीजिए जहां पर ये लिखा हो कि हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिखाएंगे तो माफ कीजिएगा, आज के बाद आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में बोलने के लिए आगे ना ही आए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इस बिल में एक लफ्ज ऐसा नहीं है जहां पर यह कहा गया हो कि हमें अपने कागजात दिखाने हैं। अपने मुल्क में मैं बहुत सेफ हूं, और इससे ज्यादा सेफ मैं कहीं और हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी तालीम मेरे हिंदुस्तान में माशाल्लाह बेहद बेइंतहाई जी। ठीक है, मैं एक बात कर दूं बस, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल करूंगा आपको। मुझे सिर्फ ये बता दे निगत अब्बास कि आप क्या समझती हैं, जिस बंदे के पास बुनियादी हकूक ना हो, जिसको पॉलिटिकल फ्रीडम ना हो, जिसको आपने उनके इंसानी हकूक उनसे छीन लिए जाए, जिनकी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हम आपको 4G सर्विस नहीं दे सकते, उसके लिए हम कमीशन बिठाएंगे, वो फैसला करेगा कि आपको जो बुनियादी, आप तो 4G सर्विस या अच्छा ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रही है, मकबूजा कश्मीर को कर सकता है नहीं कर सकता, तो आप क्या समझती हैं उधर इन्वेस्टमेंट डाल के आप लोगों के दिल खरीद लेंगी। मैं समझता हूं किसी इंसान का, आप क्या कश्मीर को मिडल ईस्ट बनाना चाहती हैं, क्या आप कश्मीर को सऊदी अरब और दुबई बनाना चाहती हैं कि जहां पे बोलने टालने की तो आजादी ना हो, खाना मिलता हो बस। अगर आपने इंडिया में इस तरह की जो बाल्कनाइजेशन करना चाहते हैं कि कुछ हिस्से मिडल ईस्ट की तरह हो जाएं, कुछ दुबई और सऊदी अरब और शारजा की तरह हो जाएं, और कुछ जो है वो दिल्ली की तरह हो जाएं, तो आपको आपका इंडिया मुबारक, हम तो बात करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, और हमें खुशी है कि हमारे अलावा इस दफा पूरी दुनिया बोली है। और इमरान खान ने जो स्पीच UN में की थी उसका बहुत प्रेशर आया, अभी कल यूरोपियन यूनियन के कमीशन ने अमित शाह साहब को खत लिखा है, कल परसों की बात है, काम शुरू हो चुका है, भले आपकी इकोनॉमी करोड़ों की हो, गूगल का सीईओ, फलां सीईओ, GDP इधर चलेगी, GDP तो आपकी मारे जितनी है वैसे, जिधर भी आप पहुंच जाएं, लेकिन अब वो काम शुरू हो चुका है जो हम चाहते थे कि दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो, वो आप हो गए हैं। लेकिन सवाल ये जवाब तो, नहीं दिया चीमा साहब आपने, जी करें फिर उसके बाद जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के सवाल का जवाब नहीं दिया पूरा, आपने मेरे को तकरीर सुना दी, आपकी तकरीर का जवाब मैं दूंगी, पहले आप मेरे सवाल। नहीं, मैंने तकरीर की नहीं है, मैं तो बस आपको कहा है कि बुनियादी हकूक मौजूद ना हो, बुनियादी हकूक मौजूद ना हो, लफ्ज तो बताइए, वो लाइन तो बताइए जहाँ लिखा हो कि मुसलमानों को अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, बड़ी जोर जोर से चिल्ला के आप तमाम चैनलों पे बोलते हैं। देखें आप सुने, आपका सुने 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 आपने एक बिल लेके आए, जलेबी बर्फी ना बनाइएगा, सही ना, कानून की जुबान और होती है और उसकी इंटरप्रिटेशन और होती है, ये आप समझती है ना, जो पार्लियामेंट है वो मेरे हिंदुस्तान में कानून की जुबान भी वही है और इंटरप्रिटेशन भी वही है, नहीं ना, यही तो मतलब है, अलग होता होगा, सुने यही तो मतलब होगा, हिंदुस्तान के बारे में गलत लफ्ज नहीं सुनूंगी, पाकिस्तान में होता होगा इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन अलग, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है वही। चले जी, आवाज आ रही है आपको मेरी, आवाज आ रही, वही करा भी जाता है, चले चले इसको यहीं पे छोड़ते हैं, ये तो बहस लंबी चलेगी, मैं आप यू आर अ वुमन एंड जंग, आवाज नहीं आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है, नहीं मुझे सिर्फ आपकी लिप सिंक दिख रही है, आवाज नहीं आ रही है, हाँ अभी आपको मेरी आवाज आ रही है, एक सेकंड
आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी अभी माशाल्लाह लाउड एंड क्लियर। चलिए जबरदस्त। अच्छा निकित अब्बास, मैं वो सवाल करने लगा था आपसे कि आपने जारी बात है एक यंग वुमन है और यू प्रोटेक्ट एंड यू स्टैंड फॉर द राइट ऑफ द वुमन एंड एंड राइट फॉर द राइट्स ऑफ द गर्ल्स और जो एक दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प टू द यंग गर्ल्स के उनके कोई ऐसा कोई लीडरशिप मौजूद है, कोई ऐसे बड़े मौजूद है जो उनको ये रोशनी दिखाते हैं कि उनका विल है, फ्यूचर है। सो हाउ डू यू सी जो द फ्यूचर ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन इंडिया? आप समझती हैं कि जो चैलेंजेस वुमेन को हैं वो उसके लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या पूरी कर पा रही है, या जिसे आप दूसरे लफ्जों में कहें वुमेन एम्पावरमेंट, या उनका जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल में आना, या जिस तरह हम समझते हैं अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यूरोपियंस में बहुत सारी खवातीन जो हैं वो वजीर आजम बन रही हैं, मिनिस्टर बन रही हैं। मैं आपके इंडिया में देख रहा था है एक दो खवातीन पार्लियामेंट में, आप हाउ डू यू सी दिस? सी बिल्कुल अच्छी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और ये जो विमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज है ये सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं है, मुझे लगता है ये ग्लोबल इश्यूज हैं। शायद मार्केट में बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बारे में हम शायद खबर नहीं सुन पाते, पर अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज हो गई और रेप जैसी चीज हो गई, ये बाकी कंट्रीज में हमारे कंट्रीज हिंदुस्तान और मैं कहूँगी पाकिस्तान से भी ज्यादा है, जिसमें बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब हिंदुस्तान जैसे कि एक डेवलपिंग कंट्री है और जिस प्रकार उसने तेजी से मोदी सरकार के अंडर भी बहुत अरसे से अब जो चीजें समझ रहे हैं, जैसे आप देखिए बहुत बड़ा एक स्टेप हमारी सरकार ने लिया और आप इसकी अहमियत समझेंगे क्योंकि आपके पाकिस्तान में ये पहले से था, ट्रिपल तलाक को बैन करना। ये मुस्लिम विमेन को एम्पावर करने की बहुत बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जिसको हमने लिया और हमारी सरकार के लिए इसी वजह से हिंदुस्तान में जितनी भी मुसलमान महिलाएं हैं वो समर्थन में आई हैं, वो सपोर्ट में आई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा क्योंकि वही मैं दोहराऊंगी, डेवलपिंग कंट्रीज है जो मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स है हमारी कंट्रीज में कम था, ओपन डेफिकेशन ज्यादा था, इसको कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये सच बात है। तो टॉयलेट की मेकिंग हमारी गवर्नमेंट में बड़ी है, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। गैस सिलेंडर एलपीजी हमारी कंट्री में, हमारे देश में जो कम था वो महिलाओं को औरतों को घर में पहुंचाया गया ताकि वो धुएं से बचें और उनके फेफड़े लंग्स उनके उससे खराब ना हो, इसलिए वो एलपीजी इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि अब जो रजिस्ट्री है मुसलमान माफ कीजिएगा हिंदुस्तानी महिलाएं जितनी भी हैं अगर अपने घर पे अपना पहला घर खरीद रही हैं तो उनको रजिस्ट्री में कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा और उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी पढ़ने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी हिंदुस्तान में हो रहा है और मुझे लगता है ये सिर्फ हमारी कंट्री नहीं बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि महिला बहुत आगे जा रही है। जैसे कि आपने देखा हमारे हिंदुस्तान में हमारी डिफेंस हमारी फॉरेन मिनिस्टर है आपको पता है निर्मला सीतारमन जी, तो ये एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्टर रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है और चलता रहेगा। इस समय वो फिनेंस मिनिस्टर हैं, दैट्स अ वेरी 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 बिग थिंग। तो ये हिंदुस्तान में अगर है तो इससे बड़ी बात मुझे लगता नहीं कि कोई और हो सकती है। सबसे और आपने देखा होगा हमारी एक और शेरनी जो दहाड़ती है वो है स्मृति ईरानी जी, जो आपने देखा की विमेन एंड चाइल्ड लेबर डेवलपमेंट मिनिस्टर है वो। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारे हिंदुस्तान में चल रही है और चलती रहेंगी और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं और मोदी सरकार इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, नहीं तो एक फाइनेंस मिनिस्टर महिला का होना भारत देश में ऐसा मैंने देखा नहीं है कि होता है। वैसे नहीं, ये मैं आपकी बात समझता हूँ कि पहले वो डिफेंस मिनिस्टर रही जब अभिनंदन यहाँ से गए थे तो वही पहले उनको मिली थी, राइट? हाँ जी, अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर आ गई हैं, बहुत अच्छा है। तो आप क्या समझती हैं कि जितनी बड़ी कैबिनेट है या जितनी बड़ी डेमोक्रेसी है जो प्रोपोर्शन है वुमेन का कैबिनेट में वो ठीक है या उसमें मजीद आप जैसी यंग एडवोकेट की जरूरत है? नहीं, मुझ जैसी तो मैं क्या कहूं, पर हाँ ये जरूर है कि हाँ हिंदुस्तान में अभी पार्लियामेंट में जो तादाद है महिलाओं की वो थोड़ी कम है पर धीरे धीरे बढ़ी जाएगी एंड आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट इसमें स्टेप्स ले भी रही है और रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग आगे हमारे हिंदुस्तान में बात हो रही है, तो क्या पता इंशाल्लाह आपकी दुआओं से रिजर्वेशन भी हमारे पार्लियामेंट में हो जाए। पर जिस तरीके से पार्टिसिपेशन अब महिलाओं की आ रही है मोदी सरकार में ये बहुत ही सराहनीय और काबिले तारीफ है और आगे हाँ ये मैं जरूर कहूंगी कि अभी कम है पर आगे बढ़ाने की जरूरत है, थोड़े स्टेप हमारी काले थोड़े हम खुद ले ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है निगत अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई फियरलेसली अपनी स्टेट का अपनी सोसाइटी का मौका पेश किया। व्यूअर्स, इसके फौरन बाद मैं एक तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इसके थोड़ी देर बाद ही एक इंडिया के बड़े और मजबूत जर्नलिस्ट स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया का इंटरव्यू करूंगा, अभी पूरे 9 बजे पाकिस्तान टाइम और इंडियन टाइम 9:30 बजे भी होगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा निगत अब्बास का आपका, और मैं आपके साथ तो बुरी दफा हम टीवी पे आए हैं और हालात जरा और होते थे,
और तरह बात होती थी, लेकिन जो मैंने तारीफ आपकी सुनी थी और जिस तरह इंडिया के लोग आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल को पसंद करते हैं और आपकी जो एडवोकेसी है उसको पसंद करते हैं, वो एक आप इंडिया का एसेट है एंड इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ यू। तो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह फिर कभी एक मीटिंग करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों आवाम, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, सब एक दूसरे के भाई बहन है, एक ही देश हुआ करता था। इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल, थोड़े कदम आपको लेने की जरूरत है, थोड़े हमें लेने की जरूरत है, पर इंशाल्लाह सब बहुत बहुत खूबसूरत होगा और कोविड से भी बाहर आएंगे जल्दी हम लोग। बल्कि मैं तो जब पंजाबी फिल्म्स देखता हूं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं अपने ही किसी मुल्क में घूम फिर रहा हूं, तो लेकिन जारी बात है कि सिचुएशन इस तरह। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।